एडवोकेट अजहर अली ने शुक्रवार को मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की। एडवोकेट अजहर ने मृतक की पत्नी, उसकी बड़ी बहन सहित घर में उपस्थित अन्य सदस्यों से चर्चा की। अजहर अली ने मृतक के परिजनों को मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध कराने आश्वस्त किया। शुक्रवार को एडवोकेट अजहर अली ने अपने साथियों के साथ कोहका में हुए चंद्रशेखर ठाकुर हत्या मामले में मृतक चंद्रशेखर के परिजनों से मुलाकात की। एडवोकेट एवं विधि प्रकोष्ठ भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजहर अली ने मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों को सभी तरह की कानूनी मदद मुफ्त में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और इस घटना में संलिप्त आरोपियों को कोर्ट के माध्यम से सख्त सजा दिलाने की बातें कही। एडवोकेट अजहर ने मृतक के बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनकी शिक्षा को लेकर परिजनों से चर्चा की, साथ ही जरूरत पड़ने पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मृतक चंद्रशेखर ठाकुर की पत्नी और बहन ने घटना दिनांक को हुई वारदात की जानकारी एडवोकेट अजहर अली को विस्तार से दी, साथ ही पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया। मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों से हुई मुलाकात और कानूनी सहायता मुफ्त उपलब्ध कराने को लेकर अजहर अली ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर ठाकुर नाम के व्यक्ति थे जो बहुत नेक थे, मजदूरी का काम करते थे, अच्छे स्थल के थे और कोहका निवासी है, कई जगह से बदल के रहते हैं। तो इनका अखवाई करते हुए द्वारा हत्या कर दी गई। तो इनके छोटे से 5 बच्चे हैं और एक पति है और परिवार के लोग भी हैं, जो अब बेसहारा हो गया है। तो हम शासन से चाहते हैं कि शासन इनके लिए भी मुआवजा दे और उनके भी परिवार की नौकरी की घोषणा करे। और इसके साथ साथ इनको जो अभी जो न्याय की व्यवस्था के लिए जो भी सहायता चाहिए उसके लिए हम आश्वस्त करते हैं और वादा करते हैं कि जहाँ भी न्याय के लिए इनको अभियोजन के समर्थन में जहाँ भी मुझे खड़े होने की आवश्यकता होगी मैं वहाँ खड़े होऊंगा, इनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। क्योंकि मैं विधि विभाग का कार्य कमेटी का अध्यक्ष हूँ और भिलाई जिला का और खेल प्रकोष्ठ का भिलाई जिला विधानसभा अध्यक्ष और हमारी संस्था है भिलाई सोलर वेलफेयर सोसाइटी और ABNA। तो हम लोग सब सामाजिक काम करते रहते हैं, तो सामाजिक काम के तहत हमारे संगठन के द्वारा इनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ योजना के तहत काम किया जाएगा, एजुकेशन क्षेत्र में और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमेशा हम इनके साथ में कर्जे संबंध ज़्यादा खड़े हैं और इनके लिए न्याय के खास तौर से जहाँ इनको जरूरत पड़ेगी निःशुल्क हम परामर्श और सलाह और जहाँ भी हम योजना का समर्थन के लिए खड़े होना पड़ेगा हम निःशुल्क सेवा देंगे। इसलिए हम मिलने मुलाकात करने आए थे और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मुआवजा के लिए करें और नौकरी की व्यवस्था करें। मृतक चंद्रशेखर ठाकुर की पत्नी सावित्री और बड़ी बहन ने मामले की जानकारी दी। उस दिन भैया जब मैं यहाँ समझती थी तो एक लोग मेरे सास को चीज़ें लाए थे, चीज़ें लाने से ये जानती थी भैया कैसी है सर। मैं भाभी से बात कर रहे थे, भाई उस दिन मेरे से चीज़ें लाई थी, जब भाई मतलब बात करें भाभी के साथ अचानक दौड़ते देखे भाई को, भाई को जब दौड़ते देखे तो पैसे दौड़ रहे करके भाभी के साथ हम लोग पीछे पीछे गए। वहाँ से कुछ जन गुंडे थे तो महीने वाले भाई को मार के गिरा दिए। उसके बाद छोटे वाला भाई को एक लड़का गले को ऐसे पकड़ के रखा था और एक मोटा लड़का था जो मुक्के से मारा और एक पतला लड़का जो था वो बैट से ऐसे ऐसे करके मारा हुआ, बस वही कुछ मैं दी। उसके बाद भाई नीचे गिरने के बाद हम लोग नहीं था, थोड़ा तड़पते हुए अपने भाई को देखे तो बहुत हम लोग को होश नहीं था। हम लोग उसको बचाने के चक्कर में पूरा एम्बुलेंस बुला करके बोल रहे थे तो एम्बुलेंस भी बहुत लेट में आया। उस समय हम लोग अपने भाई को तड़पते हुए देखे हैं, हम लोग की स्थिति बहुत हो, कैसे लाए एम्बुलेंस कैसे बचाए अपने भाई को बचाने के चक्कर में हम लोग का होश नहीं था। वही तक जान आए थे पर अभी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं प्रशासन से कुछ है प्रशासन से कुछ नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री से बस इतना चाहते हैं कि मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए और मतलब 50 लाख से रुपया मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए और बच्ची मन के लिए सरकारी पालन पोषण के लिए। मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों से मुलाकात के दौरान एडवोकेट अजहर अली के साथ अली इमाम सर, शकील रजा, महमूद भाई, राजू भाई, मुंशी भाई, मोबिन भाई सहित सामाजिक संस्था ABNS के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।